अपने अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए अपने अपने मरीजों की शिफायाबी के लिए अपने अपने मरहूमीन के बुलंदी दराजात के लिए حضرت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو اصدق الصادقين وقوله الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما سالتكم من اجر فهو لكم وقال رسول الله صلى الله عليه واله اذا اراد الله بعبد خيرا قذف في قلبه مودة الحسين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے زندگی جیسی حسین نعمت عطا کرنے کے بعد یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنا نام سید الشہداء کے عزاداروں میں لکھوا سکیں آغاز مجلس میں فیصل بھائی کے آستانے پہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ذکر اہل بیت کریں ذکر پروردگار کریں تو آئیں ان کے مرحومین ہیرانی فیملی کے فرشتہ فیملی کے مونی فیملی پنجوانی فیملی اور لکھانی فیملی کے جتنے مرحومین ہیں اور اس کے علاوہ ملت کے جتنے شہداء ہیں آپ اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں تمام مرحومین کے بلندی درجات تمام مریضوں کی شفا یابی اور مجاہدین اسلام کی مدد و نصرت کے لیے باواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ارشاد پروردگار ہے کہ قل ما سألتكم من اجر فهو لكم میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ جو اجر رسالت میں تم سے مانگا گیا ہے
कि तुम अहले बैत से मुवद्दत करो, इस अजर का फायदा फहुवा लकुम, तुम्हारे लिए। इस आय मजीदा के जिमन में मैंने कुछ मारूजात गुज़श्ता मजालिस में अर्ज की और उसी का तसलसल है कि पैगंबर गिरामी ये इरशाद फरमा रहे हैं कि वो क्या फायदा इंसान को मिलता है जब वो अजर अदा करता है, जब सैयद शहदा से, अहले बैत से, इमाम जमा अलैहिस्सलाम से, उसे मोहब्बत हो जाती है, उसे मुवद्दत हो जाती है, उसका राबिता हो जाता है, उसका ताल्लुक जब कायम हो जाता है, तो क्या फायदे, क्या नफा, क्या मुनाफा उसकी जिंदगी में उसे हासिल होता है, इसके ऊपर गुफ्तगू है। तो आज हमें यह देखना है कि ये फायदे क्यों हैं, किस तरह ये फायदे हासिल होते हैं। देखिए, जब किसी का कोई मरीज ला इलाज हो जाता है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, या इंसान ने किसे कर्ज लिया था और उसमें अब इतनी ताकत नहीं कि कर्ज की वापसी और अदायगी कर सके, और वो मद्दे मुकाबल जिसका कर्ज देना है वो पुलिस को लेकर दरवाजे पे आ जाए और उसे जेल में बंद करने के लिए ले जाया जा रहा हो, इस कैफियत में, या और जो इंसान की मुश्किलात हैं कि जब सारे रास्ते इंसान पर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि इस मोहब्बत के फायदे क्या है, इस मोहब्बत के असरात क्या है, क्या फायदा, क्या नफा इंसान को हासिल होता है। वो सारे तारीख में वाकयात है, मैं उन्हें बयान नहीं करने लगा, फकत इसीलिए इमाम जमा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अक्सर दुआ बताजील फरज, के तुम्हारी दुआओं में ज्यादा दुआ ये होनी चाहिए कि मेरे अल्लाह हमारे इमाम का जहूर हो जाए। अक्सर दुआ बताजील फरज, मेरी फरज, मेरे जहूर की दुआ मांगो ज्यादा, क्यों? इसमें सबब बयान करते हैं, इन्ना फी ज़ालिका फरज, इसलिए कि जब मेरा जहूर होगा तो तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, मेरे जहूर से तुम्हारी मुश्किलें क्या होना हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। तो अजीजो, ये क्या, कैसे मुनाफा और क्या फायदा इंसान को इस मोहब्बत से हासिल होता है। अब इसको समझाने के लिए मैं कुरान की तरफ पलटूंगा। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि वला रतबिन वला याबिस, के कोई खुशकुतर ऐसा नहीं है कि जिसका बयान कुरान में नहीं है। यह आय मजीदा आपने सुनी होगी, जिसने सुनी है वो तिलावत, वो दुरूद पड़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर खुशको तर का इल्म, उसका जिक्र किस में है? कुरान में। हर खुशको तर का तिबियान कुल शय, हर चीज का बयान किस में है? कुरान में। तो आइए कुरान से पूछते हैं कि बता के चांद पे कैसे जाना, चांद पे कैसे जाना, ये दुनिया को मुसख्खर कैसे करना है, ये कहां लिखा है कुरान? तो अजीजो, इसीलिए पैगंबर का एक फरमान है कि जब तक कुरान के साथ अहले बैत ना हो, कुरान इस्तेफादा, कुरान से इस्तेफादा नहीं किया जा सकता, कुरान फायदा नहीं देता जब तक कुरान के साथ अहले बैत ना हो, कुरान से फायदा हासिल। एक शख्स हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास आया, कहा या अबुल हसन, मुझे दिल में दर्द है, मुझे दर्द दिल का मर्ज है,
तो मौला फरमाते हैं कि जाओ ऐतुल कुर्सी को गुलाब और जाफरान से चीनी के बर्तन पे लिख के उसे पियो, अल्लाह तुझे शफा दे दे। कुरान तो वो भी पढ़ा हुआ था, तो ये इलाज उसे क्यों ना मिला? इसका माना ये है कि जब तक वो ना हो के जो कुरान के हकाइक को जानते हैं, कुरान शफा देने वाला नहीं है। ये फायदा कुरान से नहीं। तो ये वो कुरान कह रहे हैं कि हर चीज इसमें मौजूद है, वो क्या है अजीजों? कुरान में चांद, ये चमकता हुआ कुरान में आप नहीं देख सकते। तवज्जो कीजिए, मैं मोहब्बत अहले बैत और सैयदुल शहदा के मुनाफे कैसे हासिल होते हैं उस पर गुफ्तगू है। अगर कोई कहे ये चमकता हुआ सूरज मैं कुरान से निकाल लूं, ऐसे नहीं होगा। अगर कहे कि ये बहता हुआ पानी समंदरों का, ये पानी मैं कुरान से निकाल दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकेगा। है समंदर कुरान में, ये पानी है कुरान में, लेकिन ये इस तरह बहते हुए नजर नहीं आए। ये फजाओं में सफर और इसे मुसख्खर करना, ये है कुरान में नुस्खा, लेकिन जैसे तुम चाहते हो ये कुरान में नहीं मिलेगा। फिर क्या है? कुरान इन चीजों की शक्लों को नहीं रखता, कुरान इंसान को वो हुनर सिखाता है कि जहां वो चांद पे पहुंच जाए। कुरान इंसान को वो हुनर सिखाता है, वो इल्म अता कर देता है, वो तरीका बता देता है कि जहां वो तरक्की करके दूसरे सियारों पे चला जाए, इस दुनिया को मुसख्खर कर ले। यानी कुरान का काम हुनर गिरी है, हुनर सिखाना है, ये चीजों को सामने लाना कुरान का काम नहीं। यही मोहब्बत अहले बैत और सैयदुल शुहदा में है। इमाम हुसैन का काम रिज़्क को तेरे दरवाजे पे पहुंचाना नहीं है, वो हुनर सिखाना है कि रिज़्क तेरे दरवाजे पे आ जाए। ये रिज़्क तेरे दरवाजे पे आ जाए, वो हुनर सिखाना है। लेकिन क्या वजह है कि वो सिफात हम में मुंतकिल नहीं होती? देखें, मैंने अर्ज किया है पहले कि जब सिफात मुंतकिल होती हैं तो इंसान की फिक्र बनती है, और जब फिक्र बनती है तो अमल वजूद में आता है। अमल इसलिए नहीं है कि फिक्र नहीं है, फिक्र इसलिए नहीं है कि सिफात नहीं है। सिफात नहीं है, वो क्यों नहीं है? एक दो वाक्य मैंने यहां रुक के सुनाने हैं आपको। एक आलम भाई ने शायद इमाम बारगाह में सुनाया था कुछ अरसा पहले, एक जर्मन दानिशमंद ने उसको जिक्र किया है, राइटर ने, और एक हिंदू का वाक्य, चूंकि हम पाकिस्तान हिंदुस्तान से, तो अपने ही शहर के वाक्यात एक आपको मैं सुनाऊंगा, एक जर्मन का और एक हिंदुस्तान का, और उसके बाद फिर बात वाजे हो जाएगी। मुझे भी पता है कल छुट्टी है, आज बात लंबी भी होगी तो कोई बात नहीं। दुरूद पढ़िए बस। वो जर्मन का जो राइटर है वो लिखता है कि एक मछली का शिकारी, जो मछली का शिकार करने वाले, तो जो मेरी तरफ रहे, ये कहानी सुनिए और फिर नतीजा इसका। उसने एक दिन ख्याल किया कि आज सूरज निकलने से पहले मैं रात के अंधेरे में उस तालाब के किनारे पे ऐसी जगह जाके बैठ जाऊं जहां जब सब शिकार करें तो मेरे शिकार में बड़ी बड़ी मछलियां आए, बड़ी बड़ी मछलियां। वो सूरज से निकलने से कुछ दो घंटे पहले यानी रात के बाद चला गया, और वो पहाड़ी इलाका था, उसने जाके एक जगह तलाश की और बैठ गया। बैठा दो घंटे, अभी सूर्य निकलने के, रोशनी निकलने के बाकी थे, बाकी लोगों के आने में दो घंटे अभी बाकी थे, अब उसने टाइम तो गुजारने था। उसने देखा कि उसके पांव से कोई चीज टकराई है, रात का अंधेरा है, कोई चीज दिखाई नहीं दे रही। उसने देखा बोरी पड़ी हुई, उसने उसको खोला, देखा उठा के, बड़े खूबसूरत पत्थर है। कहा, उसने सोचा
कि शायद दिन के टाइम कोई शख्स यहां पानी के अंदर खूबसूरत पत्थर तलाश करता रहा कि अपने घर के बागीचे को जाके सजाऊंगा, लेकिन बोरी भारी हो गई, वो उठा के नहीं ले जा सका, वो यहीं रख के चला गया। अब उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। आलम भाई ने सुनाई है, अगर आपको याद हो अपने मामूरी को आप चलाएं तो वो याद आ जाएगी। फिर एक पत्थर उठाया, फिर पानी में फेंका, फिर उठाया, फिर पानी में फेंका, फेंकते फेंकते बोरी का आखिरी पत्थर उसके हाथ में और सूरज चमकता हुआ सामने आ गया, रोशनी होगी। जो ही सूरज की रोशनी में उसने पत्थर को देखा, कहा हो ये तो हीरा है, ये तो हीरा। ओ अफसोस के हाथ मलने लगा कि ये बोरी तो हीरों की बनी हुई थी, मैंने क्या बदबख्ती कर दी कि एक एक करके उसे पानी में फेंकता रहा, ये तो मेरी सात नस्लों के लिए काफी था, ये तो मेरी सात नस्लों के लिए भी वो खाती तो ये बोरी खत्म ना होती, इतना कीमती सरमाया मैंने जाया कर दिया। मैं मछलियां पकड़ के बाजार में जाता हूं, वहां बाजार की बदबू, मंडी की लोगों को बाद मेरा रेट पसंद आता है नहीं आता, लोगों की हजार बातें, शाम तक चंद मछलियां मैं बेचता हूं और पैसे, और ये मैंने देखे कितना बड़ा सरमाया जाया कर दिया। ये लिखने के बाद वो राइटर नोट नतीजे के तौर पे इसका नतीजा लिखता है, कहता है खुशबख्त है वो माहीगीर, वो मछलियां पकड़ने वाला के जिसने एक पत्थर तो बचा लिया। तवज्जो रहे भाई, खुशबख्त है वो शिकारी के जिसने एक हीरा तो बचा लिया, बदबख्त है वो इंसान के जो जिंदगी के कीमती लम्हात को सबका जाया कर देता है, उसका एहसास भी नहीं करता, उसका एहसास भी नहीं करता। इंसान ने अल्लाह के, इंसान को अल्लाह ने बहुत ज्यादा सलाहियतें दी हैं, कीमती बनाया है इंसान को। अब इसी से रिलेटेड दूसरी कहानी सुनिए, फिर मैं बात को आगे लेके चलूं। ब्रह्मा, आप जानते हैं हिंदू मजहब के लोगों में जो उन्होंने बुत बनाए हुए हैं उसके कई नाम हैं, उनमें से जो बड़ा बुत है उसका नाम क्या है, ब्रह्मा। उसके छोटे छोटे बुत जो साइडों पे रखे उसके हवारी, इसकी 100 कहानियां उन्होंने अपनी किताबों में लिखी हैं। इसको कहानी को सुनिए गौर से, वो ये है, कहते कि एक दिन उसके हवारी कहते हैं कि आका बड़ा परेशान है, ब्रह्मा बड़ा परेशान गुस्से में बैठा हुआ है, अब किसकी जुरत है कि वो इससे पूछे कि तुझे हुआ क्या है? सब खामोश, डरे हुए, सहमे हुए। आखिर एक ने जुरत कर ली, कहा आका जान की पनाह मांगू तो सवाल कर सकता हूं? कहा पूछो भाई। कहा आज अब बड़े गुस्से में है, परेशान लगते हैं, वजह क्या है? कहा तूने सही बूझा है, तू सही समझा है, क्यों आप परेशान है? कहा मैं इंसान की नालायकी पे परेशान हूं। तवज्जो कीजिए, मैं इंसान की नालायकी पे परेशान हूं, मैंने इसे सलाहियतें दी थी आसमानों की परवाज के लिए, मलाकूत के सफर के लिए, और इसने हैवानों की तरह जिंदगी में फकत खाना पीना सोना और जागना सीखा है। मैंने इसे सलाहियतें दी थी कि ये मलाकूत का सफर करता और इसने हैवानों की तरह जिंदगी में फकत खाना पीना सोना और जागना और शैबत के कुछ काम यहीं पर रखा है। मुझे इस पर बड़ा गुस्सा है इस नालायक इंसान पर। कहा आका फिर क्या है? कहा मैं चाहता हूं ये सलाहियत इसे वापस ले लूं। यहां रुक के एक जुमला कहूंगा ताकि बच्चे गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। खुदा और ब्रह्म में फर्क यही है कि जो बंदों के अमल पे गुस्से हो जाए वो बुत हो सकता है, खुदा नहीं होता, वो खुदा नहीं। कहा इसीलिए देखे वो पोप, जो पिछला पोप था उसका जब बयान आया कि मैं रिटायर हो रहा क्यों, कहा मेरा काम लोगों की हिदायत था, मैं नहीं कर सका, लिहाजा ये खुदकशी है मेरे लिए कि मैं लोगों की हिदायत ना कर सका। ये वो उनका मतलब है
जो मायूस हो जाते हैं। यहां नूह कई हजार साल तबलीग करता है, अगर मोमिन एक भी निकल आए तो खुदा कहता है नूह तूने अपना काम कर दिया, तूने अपना काम कर दिया। अजीजो वो कहा मैं सलही तुमको वापस लेना चाहता हूं इसकी, अब तुमसे ये मशवरा है। वो छोटे बुतों से कहता है कि बताओ वो इसके अंदर से सलाहियत लियाकत इस्तेदाद को निकाल के कहां छुपाऊं ताकि इंसान को दोबारा ना मिले। उनमें से एक बोला मुझे इजाजत है मशवरा दूं, कहा बोलो। कहा आसमानों पे छुपा दो, वहां इंसान नहीं पहुंच सकेगा। कहा ये बड़ा तेज है, ये सियारे बनाएगा ऐसे तेज के वहां तक पहुंच जाएगा, वहां नहीं छुपाना। कहा जमीन की तह में छुपा दो, कहा ये बड़ा तेज है, ये जमीन में सुराख करके इसकी तह में पहुंच जाएगा, पानी के समंदर की तह में पहुंच जाएगा, वहां नहीं छुपाना। कहा सख्त पहाड़ों के अंदर छुपा दो, कहा वहां नहीं छुपाना, ये पहाड़ों में गारे बना के वहां निकाल लेगा। सबका मशवरा आता रहा, ये रद्द करता रहा दलील के साथ। आखिर में कहता है बस खामोश हो जाओ, मेरे जेन में खुद आ गया है कि कहां छुपाना है। अब तो जो रहे भाई के कहां छुपाना है मेरे जेन में आ गया। कहा का बताइए कहां छुपाना है। कहा इसके दिल में छुपाऊंगा, इसके दिल में छुपाऊंगा। कहा वो तो सबसे करीब है, ये जल्दी पहुंच जाएगा। जो आसमानों में पहुंच सकता है वो दिल में नहीं पहुंच सकता, जो जमीन और समंदरों की तह में जा सकता है दिल तो बहुत करीब है, जो सख्त पहाड़ों को छेद के सुराख करके वहां से निकाल सकता है वहां अपने दिल में नहीं जा सकता। कहा यही तो वजह है, ये इतना नालायक हो चुका है, ये इतना बेवकूफ हो चुका है कि ये हर चीज की बात करता है, नहीं बात करता तो अपनी नहीं करता, ये हर चीज के लिए सोचता है कि उसका क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा, उसका क्या हो जाएगा, नहीं सोचता तो अपनी जात का नहीं सोचता। लिहाजा इसे नहीं पता चलेगा कि इसके दिल में कितनी कीमती चीज पड़ी हुई। ये मैंने कहानी आपको सुनाई। अल्लाह ने इंसान को इतनी इस्तेदाद दे के भेजा था कि वो इन सिफतों को इन हस्तियों से ले और मस्जूदे मलाइका बन जाए, मस्जूदे मलाइका बन जाए। लेकिन क्या किया इसने अपनी सलाहियतों, कैसा इंसान खल किया परवरदिगार ने, कैसा बाकमाल इंसान बनाया। अजीजो रवायत में है कहते अगर इंसान को पता चल जाए कि दीन की तबलीग का फायदा क्या है, तो वह जो रहे भाई दीन की तबलीग का फायदा क्या, पैगंबर की हदीस है मुस्तनद हदीस, अगर इंसान को पता चल जाए कि दीन की तबलीग का लोगों को अमर बिल मारूफ करने का, नई अलिल मुनकर करने का, लोगों को नेकी की तरफ लाने का, बुराई से रोकने का फायदा और नतीजा क्या है, तो इंसान इश्क में मर जाए। क्या फायदा है, कहते पैगंबर फरमाते कि जिस लम्हे वो दीन की तबलीग कर रहा होता है, तो जो मेरी तरफ रहे, जिस लम्हे वो दीन की तबलीग कर रहा होता है पैगंबर फरमाते हैं वो शबीह आइमा होता है, वो शबीह अंबिया होता है, वो मिसले अंबिया होता है। अब अगली रवायत में है कहते हैं कि जब क्यामत के दिन इंसान का नामा अमाल उसके हाथ में दिया जाएगा और कहा जाएगा 70 साल कुल इसकी जिंदगी थी लेकिन 20 साल इसने शबीह यूसुफ में गुजारी है, 20 साल ये शबीह सुलेमान रहा है, 10 साल ये शबीह मूसा रहा है, 10 साल ये शबीह ईसा रहा है, 20 साल ये शबीह दाऊद रहा है, 30 साल ये शबीह मुस्तफा रहा है, ये शबीह अली रहा है, ये शबीह हसन रहा है, ये शबीह हुसैन रहा है।
वो जितना अरसा उसने दीन की तबलीग में गुजारा होगा, दीन की तबलीग में गुजारा होगा, कितना मुकाम इंसान को कितनी सलाहियत दे के भेजा कि इंसान क्यामत के दिन यूसुफ की तस्वीर बन के उठ सकता है। अगरचे कब कि जब इंसान के लिए गुनाह का बिस्तर सजा दिया जाए, तवज्जो रहे, गुनाह का बिस्तर सजा दिया जाए, लाओ लाभ का बाजार गर्म हो और ये अपनी यूसुफी को ना बेचे तो वो शबीह यूसुफ बन जाता है। वो अपनी यूसुफी का सौदा ना करे तो वो शबीह यूसुफ बन जाता है। अजीजो, लेकिन हैफ और अफसोस है इंसान पर कि जिसको कहते हैं कि क्यामत के दिन नदा आएगी उम्मत मुस्तफा में कहां है यूसुफ, उम्मत मुस्तफा के कहां है सुलेमान, उम्मत मुस्तफा के कहां है दाऊद, उम्मत मुस्तफा के कहां है मूसा, उम्मत मुस्तफा के कहां है ईसा, तो लोग उठेंगे। वहां फिर अफसोस और हैफ है उम्मत मुस्तफा के उन इंसानों पर कि जो कुत्ते की सूरत में कोई उठेगा, कोई खिंजीर की सूरत में उठेगा, कोई बिच्छू की सूरत में उठेगा, कोई गधे की सूरत में उठेगा, कोई किसी हैवान की सूरत में उठेगा, और कहते हैं कि कुछ ऐसी सूरत में उठेंगे कि जिसका नाम ही नहीं रखा जा सकता, जिस जानवर का कोई नाम ही नहीं रखा जा सकता। इसकी दलील दूंगा, आप ये ना समझिए कि ये मैं हवाई बातें करो, ये रवायात के जुमले हैं कि कोई किसी जान कुत्ते की सूरत में, कोई गधे की सूरत में, कोई खिंजीर की सूरत में, कोई बिच्छू की सूरत में, कोई ऐसी सूरत में कि जिसका कोई नाम नहीं दिया जा सकता। मसलन उसके कान तो गधे की तरह होंगे, उसकी आंखें हिरन की तरह होंगी, उसकी जुबान किसी जानवर की तरह होगी, उसका पेट किसी जानवर की तरह होगा, उसकी दुम किसी जानवर की तरह होगी, यानी मजमूआ होगा मुख्तलिफ सूरतों का, इसका क्या नाम रखें, ऐसा क्यों होगा। कहते जिसने जिंदगी में फकत एक ही गुनाह किया होगा, अगरचे तकरार हो उसका, कि जो फकत नजासत खाता रहा हो, जो नजस से परहेज ना करता रहा हो, वो कुत्ते की सूरत में उठेगा, उसकी एक शक्ल होगी। जिसने लोगों को अजियतें दी हो, बिच्छू की तरह काटा, गीबतें करके, तोहमतें लगा के, वो बिच्छू की सूरत में उठेगा। जिसने जिंदगी गुजारी हो फकत, और कोई ऐब उसकी जिंदगी में नहीं, नमाजें भी हैं, रोजे भी हैं, हज भी है, जकात भी है, खुम्स भी है, सारे अमाल उसकी जिंदगी में, लेकिन मुतकब्बिर था, वो चींटी की सूरत में उठाया जाएगा, वो चींटी की सूरत में उठाया जाएगा मैदान हज में। पैगंबर फरमाते हैं कुछ यहां मर्द होंगे दुनिया में, वहां औरतें उठाई जाएंगी, वहां औरतों की सूरत में उठेगा, यहां औरतें हैं तो वहां मर्द उठाए जाएंगे। कहते यहां मर्द था, वहां औरत उठा के जबान इतनी लंबी होगी, रिवायत के अल्फाज हैं कि पैगंबर की पूरी उम्मत को कहा जाएगा इसकी जुबान से गुजरो, पूछा जाएगा जुर्म क्या है, मैं तो इंसान अच्छा खासा मर्द था दुनिया में और मेरी इतनी लंबी जुबान, कहा ये तेरी दुनिया के अमल का यहां मुजस्सम तस्वीर है, जो दुनिया में तेरी जुबान करती रही ना उसका मुजस्सम सूरत यहां मैदान हजर में देखो, तू बैंकॉक में बैठ के 1400 मील दूर किसी की गीबत करता था, तेरी जुबान इतनी दूर पहुंचती थी, आज देख उसकी अमली तस्वीर, आज उसकी अमली तस्वीर को देख ले, आज उसकी अमली तस्वीर को देख ले, उसने तड़पेगा इंसान। तो वो इंसान के जिसको अल्लाह ने अंबिया की शबीह बनने के लिए खल किया था, और ये कैसे बनेगा, तब बनेगा जब उसके अंदर सिफात आएंगी। अब समझे हदीस को
कि अल्लाह जब चाहता है किसी बंदे से भलाई करे तो उसके दिल में मवद्दत हुसैन डालता है। क्यों डालता है? मवद्दत फकत नाम जपने का नाम नहीं है, फजीलतों के जिक्र का फलसफा क्या है। क्यों कहा पैगंबर ने जिक्र अली क्यों नहीं बाधा? अली का जिक्र इबादत है। फकत हम या अली करते रहे या हुसैन हुसैन करते रहे? नहीं, वो या अली जो मेरे किरदार को अपना बदले वो फजीलत नहीं है। ये आज तारीफ सुन के जाइए, वो फजीलत नहीं है। आज अल्फाज ने अपने हकाइक को खो दिया है, मां जो उनके हकीकी मानी थे ना उनको खो दिया है। आज अल्फाज को हमने गलत मानी में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज ताजिर और कासिब उसको नहीं कहते कि जो हलाल कमाए और हलाल खाए। पैगंबर की हदीस है, अलका से वो हबीबुल्लाह। ताजिर अल्लाह का दोस्त है, पैगंबर ने तो ये ताजिर के बारे में कहा। लेकिन आज जो बड़ा धोखेबाज है वो ताजर है। तो अजीजों, ताजर हलाल कमाने और हलाल कमाने और खाने वाले को इस्लाम ने कहा है, हमने उसे गलत मानी में इस्तेमाल कर लिया। इसी तरह और मानी शरीफ, जिसमें इज्जत और एहतराम हो उसे कहते हैं। आज शरीफ किसे कहते हैं? इसी तरह अगर आज कोई नेक हो जाए तो लोग उसे बुरा समझते हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन का खुतबा है 233 नंबर, अगर तौफीक मिले तो कभी पढ़िएगा। मौला ने दुनिया का नक्शा खींचा, उसके अंदर फरमाते हैं कि ये आखिरी जमाना वो होगा कि जब दीनदार को लोग जलील समझेंगे, जब दीनदार को लोग क्या समझेंगे और बेदीनी को शर्फ समझेंगे, बेदीनी को शर्फ समझेंगे। लेकिन अल्लाह ने कहा, पैगंबर फरमाते हैं कि ये मुवद्दत जब पैदा होती है तो सिफात मुंतकिल होती है। क्या मुंतकिल होती हैं? सिफात। दुरूद पढ़िए बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये सिफात क्या होती हैं? मुंतकिल होती हैं। लेकिन ये सिफात का इंतकाल क्यों नहीं होता? अजीजो, ये हस्तियां तो बहुत दूर हैं, हम तो उनके चाहने वालों से कितने दूर हैं अभी इसका भी अंदाजा नहीं है। जिन्होंने इन हस्तियों को मान लिया, हम उनसे कितने फासले पे हैं अभी उस पर गौर करने की जरूरत है। ये हस्तियां तो बहुत दूर हैं। दो भाई हैं तारीख में, सैयद रजी और सैयद मुर्तजा। मैं फासला कितना है? फिर सिफात तो जब कुर्ब मिलेगा तो सिफात आएंगी ना, जब कुर्ब ही नहीं है तो सिफात कहां से आएंगी। अभी मैं मसलन एक मिसाल देता हूं, जल्दी जल्दी मेरे जहन में आ गई कि अगर सिफात किसी की तब आती है जब आप उसको ज्यादा जानते हो। एक किसी को आप अजमालन जानते हैं, उसकी सिफात आपको क्या पता होगी? माशाल्लाह आप इतना अरसा मजालिस सुनते हो गए, अगर मैं आपसे कहूं कि सैयदुल शहदा पर 10 सफे आप लिख के मुझे दें, कितने लोग हैं जो लिख सकेंगे? कितने लोग हैं? तो जो अपने मौला के लिए 10 सफे नहीं लिख सकते, वो इमाम की सिफात को कैसे अपने अंदर जज्ब करेंगे? कैसे सब जज्ब करेंगे? अब एक और मिसाल दूं, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं उस माहौल में जहां उरिया नियत हो, जहां फहाशी हो, जहां दीन से दूरी हो, जहां शराब सरेआम पी जाती हो, जहां हर किस्म की बेहयाई की तालीम दी जाती हो, और घर में मुसल्ले पे बैठ के कहूं उसे मैं कुछ नहीं सिखा रहा, फकत स्कूल भेज रहा हूं और दुआ मांगू मेरे अल्लाह इसे मादी का जानसार बना दे, इसे कर्बला का राही बना दे, क्या ये दुआ कबूल होने वाली? ये दुआ कबूल होगी? क्यों? इसलिए कि जो आप उसे दे रहे हैं अमली तौर पे, जो क्वालिटी दे रहे हैं वो नहीं है जो इमाम जमा को चाहिए, जो कर्बला वालों की है। तो आप दुआ किस चीज की मांग रहे हैं? किस खाबे
गफलत में पढ़ के हम दुआ मांग रहे हैं कि माहौल वो और मांग कुछ हो रहे हैं। हम बीज बोए आम का, दुआ मांगे कि ये सेब बन जाए, ये भी कभी हुआ है? ये कभी हुआ है? जो बोएंगे वही उगेगा। तो हमने कितना अपने बच्चों को दीन सिखाया। दीन फकत, मैं बड़ी मादरत से दर्द दिल है जिसको बयान कर रहा हूं, हबीब साहब की खिदमात है, फकत इनकी बारगाह में दो दिन बच्चों को भेजने से दीन नहीं आता। जिस तरह रियाजी उसके हर रोज की जरूरत है, दीन उससे कई गुना ज्यादा जरूरत है। क्या जिस तरह मैथमेटिक्स के लिए, जिस तरह साइंस के लिए मैं अपने बच्चे के लिए तड़पता हूं, क्या दीन के लिए भी तड़पता हूं या नहीं तड़पता? जब वो तड़प नहीं है तो फिर ये दुआ कैसी कि ये कर्बला का वाही बन जाए। मुझे इकबाल का शेर याद आ गया, गला तो घूंट दिया एहले मदरसा ने तेरा, गला तो घूंट दिया एहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना अरसा हम जाने सुने और हमें आइमा की पूरी हिस्ट्री मालूम ना हो, हैफ है। क्या क्या पाया हमने, क्या खोया, कितना करो। तो बात कर रहा था कि हम उनको जिनने माना उनसे कितने फासले पे, जरा गौर कीजिए। दो भाई सैयद रजी और सैयद मुर्तजा, सैयद रजी जिनने नैदुल बुलागा को इकट्ठा किया, सैयद मुर्तजा उनके बड़े भाई हैं, उनके वाले साहब फौत हुए, उन्होंने किताब विरासत में बड़ी चीजें छोड़ी, एक किताब भी छोड़ी विरासत में। आपको पता है विरासत तकसीम होती है मरने वाले के बाद। दोनों भाइयों ने सोचा इस किताब को कौन लेगा, तो वह जो रहे इस किताब को कौन लेगा। इस वाक्य के सुनने के बाद देखें हम इनसे कितने फासले पे हैं, सैयद रजी और मुर्तजा से। आईना तो दूर की बात है। सैयद रजी ये कहते हैं, भाईजान किताब उसके हिस्से में जाएगी जिसकी नमाज कभी अव्वल वक्त में से रह ना गई हो, हमेशा जिसने नमाज अव्वल वक्त में पढ़ी हो, यह किताब उसकी विरासत में उसके हिस्से में जाएगी। सैयद मुर्तजा बोले नहीं रजी, ये किताब वो लेगा जिसकी नमाज शब कभी कजा ना हुई हो। सैयद मुर्तजा बोले नहीं भाईजान, ये किताब वो लेगा जिसे कभी फिक्रे गुनाह ना हो, जिसे कभी फिक्रे गुनाह ना हो। सैयद मुर्तजा कहते हैं भैया मैं शर्मिंदा हूं, ये किताब तेरी है। बड़े भाई हैं कह रहे हैं ये किताब तेरी है, मैं जानता हूं तूने कभी फिक्रे गुनाह नहीं किया, मैं जानता हूं तूने कभी फिक्रे गुनाह नहीं किया। अजीजों एक किताब जिसमें आइमा के अकवाल, उसको लेने के लिए इतनी सख्त शर्तें, तो क्या सिफात हुसैन को लेने के लिए। क्या वो सिफतें ऐसे आ जाती हैं, क्या वो मकामात ऐसे मिल जाते हैं कि तेरे रोने पे खुदा तुझे मुबारक दे। ये सिफतें कोई ऐसे पैदा हो जाती है। दुरूद पढ़िए बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आइए वो सिफात क्यों मुंतकिल नहीं, नक्श मैं आप बताने लगा हूं, गौर से सुनिए, क्योंकि मेरा मौजू है इसलिए मैं इसको बयान कर। कई नकायस हैं, कभी जिंदगी ने मौका दिया तो मैं बयान करूंगा तफसील से, लेकिन एक सुनिए सिर्फ उनमें से एक, कि वो सिफात में रुकावट क्या, क्यों नहीं वो मुंतकिल होती। अजीजों कभी हम उन चीजों के खरीदार हो जाते हैं कि जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। बाल का होता ना घर में, इंसान बाजार गया है तो जिनके अजहान, दुरूद पढ़िए बार मोहम्मद वाले मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
हमारे दीगर दुरूद पढ़िए। किबला साहब की आमद पर बाबाज बना सलावाज चूंकि सबक मैं सुना रहा हूं फकत हबीब साहब और आप आदम भाई हैं, बाकी सब बुजुर्गान हैं मेरे लिए, हम तो तालबिले में जो सबक सुना रहे हैं। तो इंसान बाजार में जाता है उसका मिजाज ऐसा बन चुका है, खसूसन ये खवातीन में होती है, मर्द फिर भी ऐसे नहीं होते, उधर से वो लेती है इधर से दिल खुलता है। ये मर्द के दिल से कोई पूछे ना चोट कितनी लगती है, वो एक चीज उठाती है दिल घटता है, वो दूसरी उठाती है अब पता नहीं दिल पे क्या गुजर रही है, क्योंकि इसे पता है कितनी मुश्किल से कमाया। तो वो खरीदते खरीदते जब घर में आके देखते हैं तो उन चीजों को भी खरीद लेती है जिनकी जरूरत नहीं होती, जिसकी जरूरत नहीं होती। अब नुकसान क्या हुआ, जरूरत नहीं थी, सरमाया तो खर्च हो गया। तवज्जो रहे, जरूरत नहीं थी, सरमाया खर्च हो गया। हम भी कभी अपने वक्त के सरमाए को खर्च करते हैं उन चीजों के खरीदने पे जो हमें मलकूती नहीं बनने देती। जो हमें मलकूती हमें जमीन पे रखती है, हमें जमीन पर रखती है। बुजुर्गान मुज्तहिदीन ने एक बड़ी बहस है, अजीजो मैं बड़ी माजरत से क्योंकि ये उस्ताद की बात मैं करने जा रहा हूं, मेरी नीयत फकत ये है कि सफे अजा पे आने वाले की फिक्र बुलंद होनी चाहिए, उसको प्राइमरी का स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए। जब तक प्राइमरी के स्टूडेंट रहोगे इमाम जमा नहीं आएंगे, वो तो उस यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है जो यूनिवर्सिटी अभी बनी नहीं है। तो स्टूडेंट ने अपने दर्जे को बुलंद करना होता है या उसने अपने दर्जे को गिराना होता है। भाई इसने नंबर लेके क्लासे क्रॉस करके ऊपर जाना है ताकि उसकी बारगाह में जाए, ताकि उसकी बारगाह में जाए। आप मुज्तहिदीन की बारगाह में जाइए, होजे में जाइए, वहां देखे गुफ्तगू कैसी होती है। वो हुनरमंदी की बात करते हैं, वो हुनर सिखाने की इंसानी हुनर की बात करते हैं। मुझे ये बताइए, जितने भी अंबिया आए उनके सामने दो तरह के अफराद थे, कुछ वो थे जो नबूवत को नहीं मानते थे, कुछ वो थे जो नबूवत को मानते थे, उनकी रसालत का कलमा पढ़ते थे, कुछ वो थे जो नहीं मानते। इसी तरह जब पैगंबर का जमाना आया कुछ वो थे जो नबूवत को मानते थे, क्योंकि नबी पैदा होते ही नबी होता है, वो दुनिया में आके पैदा होने के बाद नबी नहीं बनता, वो नबी बन के पैदा होता है। ये अल्लाह ने आदम के मसले में बता दिया था कि जिसे मैं अपना खलीफा बनाऊं उसे सब कुछ दे के भेजता हूं, उसे दुनिया से सीखने की जरूरत नहीं होती। तो मुखालिब भी होते हैं, हमायती भी होते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, अबू तालिब ने पैगंबर से कहा था मुझे मोर्जा दिखाओ, बताइए भाई, कहा था क्या हजरत अब्बास ने मांगा था मौजा हजरत पैगंबर से, क्या हजरत हमजा ने मांगा था तेरा कलमा तब पढ़ूंगा जब मौजा दिखा, बताइए भाई, बोलिए जरा मेरे साथ। हजरत मूसा के साथ हारून थे, हारून ने कहा था मूसा मुझे मौजा दिखा, या मूसा के और जो चाहने वाले करीबी थे उन्हें मांगा था। मौजा नबुवत का कौन मानता है, मांगता है जो नबुवत का मुनकिर हो, जो नबुवत का मुनकिर हो उसको अल्लाह अपने नबी को वो ताकत देता है कि इन्हें दिखा
कि दुनिया की ताकतों पे ये क्या ताकत है, वो है मोर्जा। तो जो मुनकर नबूवत होते हैं उन्हें मोर्जा दिखाया जाता है, वो मानते हैं मोर्जा। लेकिन जो इकरार नबूवत करते हैं वो कभी मोर्जा नहीं मानते, वो कहते हैं और सिखा कि हम तेरा कुर्ब ले लें। तवज्जो रहिए भाई, हमें और सिखा कि ये दूरियां खत्म हो जाए, हम तेरे और कुर्ब में चले जाए, हम सलेमान फारसी से सलेमान मोहम्मदी बन जाए, हम सलेमान फारसी से बेजर से अबू जर बन जाए, हम गुलामी से मिकदाद बन जाएं। वो ये शर्फ मांगते हैं, वो क्वालिटी, वो सिफात हमें दी दी है, वो तालीम दी दी है। और ये देने में कंजूसी नहीं करते, कोई मांगने वाला तो हो, कोई देने वाला तो हो, ये तो इंतजार में रहते हैं। मैंने शायद पहले कभी बयान किया था, मुझे नहीं याद, शायद बयान नहीं किया कि मौला के सारे गुलाम खड़े थे, हजरत अमीरुल मोमिनीन आए, एक एक पे नजर डाल रहे हैं, देख रहे हैं, देखते देखते एक की तरफ बढ़े, कहा कद्दम जरा आगे बढ़, कहा मसमुता तेरा नाम क्या है, कहा ना इस्मी सालिम, मेरा नाम सालिम है, कहा वो नाम बता जो मेरे रसूल ने रखा था, वो नाम बता जो मेरे रसूल ने रखा था, कहा पैगंबर ने मेरा नाम मीसा में तंबार रखा था, कहा आज के बाद अपने तारों में यही नाम बताना, कहा मीसम जरा आगे आओ, मीसम तू मेरी गुलामी के नहीं मेरी शागिर्दी के लायक है, तू मेरी गुलामी के नहीं। उस वक्त मीसम बूढ़ा हो चुका था, मीसम क्या हो चुका, जवानी नहीं है, बुढ़ापा है, बूढ़ा हो चुका है, तू मेरी मेरी गुलामी के नहीं तू मेरी शागिर्दी के लायक। यहां रुक के उलमा की बारगाह में एक जुमला मैं तालबिलमाना अर्ज कर रहा हूं, इन हस्तियों की गुलामी भी बड़ा शरफ है, जो है इन हस्तियों की गुलामी भी बड़ा शरफ है, जिसे शागिर्दी मिल जाए। जिसे शागिर्दी मिल जाए उस पे तो जिब्राइल भी फकर करता है, शागिर्दी मिल जाए, बुलाए शागिर्द, कहा मीसम तुझे इसलिए शागिर्द बना रहा। अब जुमला कीमती यह है, फकत उस फजीलत पे ना जाइए, उसका सबब क्या है, यहां मैं एक चीज बयान करूंगा कि अहले बैत की फजीलतें बयान करने में क्यों इबादत है, वो इसलिए नहीं कि हम एक विर्द बना लें हिंदू की तरह सिखों की तरह, नहीं, उन फजीलतों के पीछे जो सबब है उसको तलाश करें, उसको तलाश करें, जब तक वो सबब और इल्लत ना मिले हम कामयाब नहीं है। और वो सैयदुल शुहदा और इमाम ज़मा की सिफात हमारे अंदर मुंतकिल, अगर वो सही है तो हम सही नहीं बन सकते। मुझे ये एक बात मैं कभी कभी कहा करता था पाकिस्तान में कि एक शख्स हजरत अली की जिंदगी भर शुजात का जिक्र करता रहे और जब कभी इस्लाम को उसकी जान की जरूरत पड़े और फरार कर जाए तो मैं उससे पूछता हूं अली की शुजात ने तुझे दिया क्या है, तो अब उसके अंदर शुजात कब आएगी, जब वो सबब तलाश करेगा कि अली की शुजात क्या है, फिर वो शुजा बनेगा, फिर वो सारी जिंदगी अली की सखावतों का, अहले बैत की सखाओं ने फरिश्तों को रोटियां दे दी, फकीर आया, यतीम आया, और जब अपने कभी दर पे साहिल आ जाए तो फिर दिल घटता है कि इधर से पैसा कम हो जाएगा तो सखावत अहले बैत ने तुझे दिया क्या, इस तस्करे ने फिर हमें दिया क्या, कभी गौर करें इन फजीलतों के तस्करे। तो कहा मीसम तवज्जो कि इतने गुलामों में फकत एक मीसम पे नजर पड़ी, कहा मीसम हमारी शागिर्दी के लिए दो शर्तें हैं, सिफात कैसे मुंतकिल होती है, हमारी शागिर्दी के लिए दो शर्तें हैं, एक बंदा ज़हीन हो, दूसरा अमीन हो, एक बंदा ज़हीन हो,
ذہین ہو دوسرا امین ہو. میسم مجھے آج تک ذہین ملے امین نہیں ملے, امین ملے ذہین نہیں ملے. تو ذہین بھی ہے امین بھی ہے. ذہین جو استاد کے سبق کو جلدی سمجھ جائے اسے ذہین کہتے ہیں. ایک محنتی ہوتا ہے ایک ذہین ہوتا ہے. جو استاد کے سبق کو جلدی سمجھ جائے وہ ذہین ہے. امین کس کو کہتے ہیں؟ امین اسے کہتے ہیں کہ جو سمجھ جائے کہ کہاں کیا بات کرنی ہے. ہر چیز جس کو جانتا ہے اسے بیان نہیں کرنا, اسے امانت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ امانت. تو آئیے عزیزوں, وہ ہم ان چیزوں کے خریدار بن جاتے ہیں زندگی میں کہ جس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے اپنے وقت کو تلف کر دیا. جس طرح ابھی میں نے پہلے کہا کہ اگر میں بڑی معذرت سے دنوں کو ناگوار نہ گزرے, دوبارہ میں جملہ دہراؤں گا کیونکہ احباب آئے ہیں, کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سید الشہداء پہ ایک چھوٹی سی کتاب لکھتے ہیں, ہاتھ پر سے ہر ایک کا امتحان ہے بھائی, وہاں مقالہ لکھا جانا ہے, امام زمان کی یونیورسٹی میں وہاں پڑھنا ہے. اے سید الشہداء کی مجلس میں آنے والوں, سیرت امام حسین پہ کتاب لکھو جس میں اقوال امام بھی ہوں, جس میں سیرت امام بھی ہو, عبادت امام بھی ہو, علم امام بھی ہو, شجاعت امام بھی ہو, ساری چیزیں ہوں. مجھے بتائیں کتنے صفوں کا آپ لکھیں گے, کتنے صفوں کا لکھیں گے. اس کا معنی ہے ہماری معلومات ہی نہیں ہے. شاید دو تین صفوں سے بات اوپر نہ جائیں. تو جو اتنا عرصہ ہم نے دے دیا مجلسوں کی نظر میں وہ کدھر گیا؟ وہ کیا سیکھا ہم نے, کیا سمجھا؟ تو جتنا کوئی کسی کو جانتا ہے اتنی اس کی صفتیں منتقل ہوتی ہیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. جب تک انسان کسی کو پہچانتا نہیں اس کے لیے اٹھتا نہیں ہے, اس کے لیے اٹھتا نہیں ہے. تو آئیے وہ صفات کیسے منتقل ہوتی ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ جب انسان تبلیغ دین کرتا ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں وہ شبیہ ائمہ بن جاتا ہے. وہ اس لمحے کیا ہوتا ہے؟ شبیہ ائمہ ہوتا ہے. ایک مسند حدیث ہے جس کو ہمارے بھائیوں نے کنز النماز میں بھی ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ افضل الشائب العابد تعبد فی الصباح علی شیخ الذی تعبد بعد کبر سنہ. فرماتے ہیں وہ نوجوان جو جوانی کے عالم میں عبادت کرے, وہ نوجوان جو جوانی کے وقت میں عبادت کرے وہ اس بزرگ سے افضل ہے جس نے بڑھاپے کے بعد عبادت کی ہے, جس نے بڑھاپے کے آنے کے بعد نتیجہ آگے ہے. فرماتے ہیں کہ جو جوانی میں عبادت کرتا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں کا فضل المرسلین علی الناس, اس کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے رسولوں کی لوگوں پر ہے. جیسے رسولوں کی لوگوں پہ ہے. جتنا رسولوں اور لوگوں میں فرق ہوتا ہے ایسا ایک جوان عبادت گزار اور بوڑھے میں ہوتا ہے. اتنا فاصلہ ہے دونوں, اتنا فاصلہ ہے جو جوانی میں عبادت کرے, جو جوانی میں عبادت کرے. تو عزیزو یہ کب انسان کو یہ شرم ملتے ہیں, وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ بس ایک دو روایات سنی اور آپ کی زحمت ہے تمام. دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ ایک تو ہم ان چیزوں کے خریدار ہو جاتے ہیں جو ہماری ضرورت نہیں ہوتی. دوسری, پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کو میرے مزاج کا پتہ ہے, میں سستی جنت بھی نہیں دیتا. جنت ہے ہی بڑی قیمتی, جس کے سردار حسنین ہوں وہ اتنی سستی نہیں ہو سکتی. قیمتی ہے جنت, قیمتی ہے.
इसीलिए दुआए नुदबा में मैं बार बार इन चीजों का इसलिए जिक्र करता हूं, हमारे नौजवानों का वास्ता होना चाहिए दुआए नुदबा जो हर जुमे को पढ़नी चाहिए इमाम जुमा के लिए। उसके फराक में आंसू है दुआए नुदबा की सूरत में, शियों के क्या फजाइल उसके अंदर पढ़िए। पैगंबर फरमाते हैं या अली शियातु का अला मनाबरे मिन नूरिन मुबय्यजतन वजूहुहुम हौली फिल जन्नते वहुम जिरानी। ए अली, ये शिया ये गंदगी के ढेर में जिंदगी गुजारने वाला शिया नहीं होता, गंदे पानियों में जिंदगी गुजारने वाला शिया नहीं होता। शिया कौन है? दुआए नुदबा के अल्फाज हैं का शिया नूर है। शिया कौन है? नूर है। ये जिस मिंबर पे बैठता है उसे नूर बना देता है, ये जिस मिंबर पे बैठता है ये उसे नूर। ए अली, तू नूर, मैं नूर, फातिमा नूर, हसनैन नूर, और जो इनके पीछे चलने वाला है वो भी नूर। वहुम जिरानी, ये जन्नत में मेरे हमसाएगे में रहेगा, मेरे पड़ोस में रहेगा, मेरे साथ रहेगा। तो ऐसी तो क्या रुकावट है? पैगंबर जा रहे एक सहरा में से, रात से पहले खिताब करके फरमाते हैं कि देखो एक काम मैं आज तुम्हें कहूंगा कि तुम अपने अपने थैले खोल लो और उसमें यहां के जो भी तुम्हें संग्रेजे पत्थर मिले उसमें डालते जाओ। कुछ लोगों ने कहा या रसूलल्लाह क्यों बालों का मिजाज बन जाता है, ये क्यों अच्छा भी है नुकसानदेह भी है, क्यों करने वाले दो तरह के लोग होते हैं? कुछ इसलिए सवाल कर लेते हैं ताकि उसकी हकीकत को समझ के अच्छा अमल अंजाम दे सके। उलमा से पूछते हैं ना, कुछ तनकीदी नजर से और कुछ इस नजर से, और कुछ इसलिए पूछते हैं पूछ लें अगर कोई फरार का रास्ता निकलता है तो भाग जाए, ये काम ना कर सके, वो इसलिए पूछते हैं कि उसमें से कोई रास्ता निकल जाए। पैगंबर ने फरमाया और कोई वजह नहीं है, जो इस अमल को अंजाम देगा सुबह वो भी पशेमान होगा और जो नहीं देगा वो भी पशेमान होगा, फकत इसलिए। अब रात हुई, जो तो सही थे उनने थैला खोला, जहां फिशानी से उन्हें पत्थर डालने शुरू किए। अमार क्या कर रहे हो? कहा पैगंबर ने कहा है, सोया नहीं डालता। और जिनको यकीन नहीं था, जो फरार का रास्ता हम जैसे लोग कि थोड़ी देर रात को शाह अमाल की रात आती है शबे कदर, दो घंटे सोने को मिल जाए, अगर पता चल जाए कि लैलतुल कद्र खैरु मिन अल्फ शहर, तो फिर इंसान को रात भर कभी नींद ना आए, रात भर कभी नींद ना आए। ये रात को सो जाना उस रात इस बात की दलील है कि शब कद्र की अहमियत को जानता नहीं। ये आंखों का बंद हो जाना ये खुद दलील है कि नहीं जानता। तो वो चंद डाले ताकि पैगंबर का हुक्म भी पूरा हो जाए और हमारा काम भी नींद भी पूरी हो जाए, सो गए। अब सुबह उठे, पैगंबर ने कहा भाई अपने अपने थैले ले आओ, सब ले आए, खोलो। खोला, देखा हीरों से भरे पड़े, वो जिन्होंने उसमें ज्यादा पत्थर डाले थे वो भी पशेमान कि हाय काश जो टाइम जाया हुआ वो भी क्यों हुआ, काश हम और इकट्ठा कर लेते, और जिन्होंने नहीं डाले थे वो और परेशान कि हमसे क्या बदबख्ती हो गई, ये रात जाया हो गई, काश हम इनकी तरह इकट्ठे कर लेते। पैगंबर फरमाते हैं इंसानों जो मंजर आज रात को तुमने देखा है यही हश्र में होगा, यही हश्र में होगा। जिन्होंने कुछ अमाल किए होंगे वो भी पशेमान होंगे और गुनाहगार भी पशेमान होंगे, इसलिए कि जब अमल करने वालों को नतीजा मिलेगा कि एक सुबहान अल्लाह कहने से क्या मुकाम मिलता है, तो वो कहते काश हम जिंदगी में अपने गफलतों में टाइम ना गुजारा होता, हम हर वक्त यही तस्बीह करते रहते।
और जिनने गुनाहों का नतीजा देखेंगे कुत्ते की सूरत में, मैंने कहा था ना दलील दूंगा कि मैदाने हश्र में इंसान जानवरों की सूरत में उठेंगे वो इंसान। अच्छा एक यहां पे मैं बात अर्ज करूं, जब ऐसी रवायात हम सुनते हैं ना तो शैतान फौरन आता है, ये काफिरों के लिए रवायात है, ये अली के चाहने वालों के लिए थोड़ी है, इमाम हसन के चाहने वालों के लिए थोड़ी है, आप के लिए नहीं है। शैतानी सोचा, आइए ये किसके लिए, काफिरों की बात पे अंबर नहीं कर रहे, बड़ी माजरत से, ये जो शक्लें बता रहे हैं ये काफिरों के लिए नहीं है, काफिरों का तो हिसाब ही नहीं होना, वो तो सीधा इंशाल्लाह ट्रक भरेंगे और उधर वहां तो वो हिसाब की अदालत का नंबर ही नहीं आना, वहां पे केस तो उसका चलेगा किसी में केस में जान होगी, जिसके केस में कोई जान होगी उसका मुकदमा चलेगा, जिसके केस में जान ही नहीं है वो तो वहीं से फारिग बार से अदालत के बार बार। तो कहते हैं कि कौन होंगे ये जो जानवरों की सूरत में उठेंगे। भाई आपने सुना है मासूम हज कर रहे थे, साथ वाले साथी ने कहा मौला इस साल कितने ज्यादा हाजी हैं, सुना है ना रवायत को आपने, भाई हज करने काफर जाते हैं, यहूदी जाते हैं, ईसाई जाते हैं, जरतश्ती जाते हैं, सिख जाते हैं, हिंदू जाते हैं, बैतुल्ला का तवाफ कौन करते हैं, मेरा आपसे सवाल है कौन तवाफ करता है भाई, कौन हज पे जाता है, मुसलमान मोमिन जाते हैं ना हज पे। मौला ने मुड़ के क्या जवाब दिया, गलती ना करो जरा मेरी आंख उंगलियों में देखो, जब दस्ते इमामत को उठाया उसने देखा तड़प के कहा मौला हाजी कम है जानवर ज्यादा है, ये किसका दिखा रहे हैं मौला, ये काफिरों का दिखा रहे हैं, किसका दिखा रहे हैं, चाहने वालों का, मुसलमानों का, रसूल का कलमा पढ़ने वालों का। तो अजीजो आओ इमाम हुसैन से वो कुर्ब हासिल करो कि जिससे वो सिफात हमारे अंदर मुंतकिल हो, कि जिनकी जिन सिफात की वजह से खुदा की तरफ से आवाज आए अस्सलाम अलैका या सहाब अल हुसैन, ऐ हुसैन के सहाबा तुम पर सलाम, वो फकत करबला के लिए सलाम नहीं है, ये रोजे क्यामत तक के लिए सलाम है, रोजे क्यामत तक के लिए सलाम। बस मेरी आखिरी बात अजीजो, ये रुकावट है कि हम समझ नहीं पा रहे उन चीजों को, हम मिक्स कर देते हैं, इसको सोचना होगा, मैं गौर फिक्र करना होगा कि हम कहां खड़े हैं। इमाम हसन से रवायत है, फरमाते हैं कि ये दुनिया, अब उस अरबी का तर्जमा उन अल्फाज का तो पूरा नहीं हो सकता, मैं मफहूम बयान करूंगा, फरमाते हैं कि इस दुनिया में, इस दुनिया की मिसाल एक गेंद की तरह है, फुटबॉल मैच देखें, एक टीम इस तरफ होती है एक टीम उस तरफ होती है, ये इधर से बाल मारती है वो उधर से बाल मारती है। अब मैं लफ्ज को दो जुबानों में इस्तेमाल करूंगा, समझना आपने, तो वो फरमाते हैं उस गेंद की तरह है कि जिसकी एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ शैतान, जिसकी दूसरी तरफ क्या है इंसान, ये उसको गूल मारता है वो इसको गूल मारता है, गोल गेंद फेंकना, गूल धोखा देना, गूल धोखा देना, यानी ये शैतान को धोखा देता है, शैतान इसे धोखा देता है, ये इसके पोल में गेंद फेंकता है वो इसके पोल में गेंद फेंकता है, यही जिंदगी गुजर जाती है, यही जिंदगी गुजर जाती है। तो आइए पैगंबर की आ रही हदीस और मैं रब्ते मुसाफ पे आ गया, पैगंबर फरमाते हैं कि ऐ इंसान, इमाम जाफर सादिक इसको नकल फरमा रहे हैं, तेरा एक दुश्मन है जो तेरी ताक में है, तेरा दुश्मन है जो तेरी ताक में है, लेकिन तेरी कुछ मुश्किलात हैं, वो तेरा दुश्मन जो तेरा पीछा कर रहा है ना वो तुझे नजर आता है ना तुझे यह मालूम है कि किस तरफ से हमला करेगा और ना तू ये जानता है कि किसके साथ हमला करेगा,
अगर तो इंसान को पता चल जाए कि मेरा ये दुश्मन है तो उसे अलर्ट हो जाए, मोहतात हो जाए, किस असले से हमला करेगा ये असला भी उसी तरह का ले ले। लेकिन पैगंबर फरमाते हैं ना तू जानता है कि ये किस तरफ से हमला करेगा, दाएं से करेगा, बाएं से करेगा, आगे से करेगा, पीछे से करेगा, और ना तू ये जानता है किस असले से हमला करेगा, ना ये जानता है कि कब हमला करेगा, ये भी नहीं जानता। कहा इंसान तुझे मोहतात रहना चाहिए। जब इंसान के लिए ऐसी घंटी बज जाए खतरे की कि भाई एक ऐसा वायरस आ गया है जो घर में दाखिल हो सकता है, तो आप कितना मोहतात रहेंगे? खिड़कियां बंद, पर्दे आगे स्प्रे कर दे, वो अंदर ना आने पाए, वो अंदर ना आने पाए। कहा वो दुश्मन जो तेरी ताक में है वो इबलीस और शैतान है, वो इबलीस और शैतान है। कहा कुरान की आयत है सूरह आराफ में, छह जेहते हैं इंसान की, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, कुरान ने बयान किया। शैतान हर एक के रास्ते में नहीं बैठता। मौलाना सूरह आराफ में मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम पे आके बैठता है, जो सिरात मुस्तकीम पे हैं उन्हें बहकाएगा जो पहले बहके हुए हैं। इसे अपने खरीदार तो वहां मिलेंगे जहां सिरात मुस्तकीम है, जहां सिरात मुस्तकीम है। तो कहा देखो ये चार सिरों तो से हमला कर सकता है, ये आगे से भी। अब इमाम बाकर ने इस रवायत की तशरीह बयान की है, फरमाते हैं आगे कियामत है, कभी कियामत को फरामोश ना करना। पीछे जो गुजर गया उसकी फिक्र ना करो, जो गुजरे हुए की फिक्र करता है वो दुनिया परस्त बन जाता है, वो दुनिया परस्त बन जाता है। और दाएं और बाएं ये तेरी इबादतों को बर्बाद कर देगा, तुझे शहवत परस्त बना देगा। कहा लेकिन दो सिमत उसे हमला नहीं कर सकता, ना ऊपर से ना नीचे से। खुदा अब कह रहा है कदा ये चार सिमत उसे तू शैतान के हमले में आ सकता है, लेकिन दो खाली है, कैसे बचेगा? कहा नीचे जमीन पे सजदा कर और आसमान की तरफ हाथ बुलंद करके कह इलाही अल्लाह, इलाही अल्लाह। फिर देख इस शैतान का कैसे मुकाबला होता है, इस शैतान का कैसे मुकाबला होता है। लेकिन अजीजो आए इन हस्तियों की सिफात पैदा करने के लिए अली के दिल की तमन्ना क्या है? ये सिफात अहले बैत की ऐसे मुंतकिल नहीं होती, अली की सिफतें ऐसे मुंतकिल नहीं होती, कुछ काम करने पड़ते हैं। फकत दुआओं से भी कब अश्क बहाने से कटी हैं शबे हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। फकत दुआओं से बात नहीं बनती। एक दुमला दुआए कुमैल का मुझे याद आ गया माजरत से। देखें दुआए कुमैल के आखिर आखिर में कहते ना, या मन इस्मुहु दुआ व ज़िक्रुहु शिफा। हम क्या समझते हैं कि जुमेरात को दुआए कुमैल पढ़ गई तो हमारा मसला हल हो गया, जो दुआएं मांगी थी कबूल? समझिए दुआए कुमैल में नुस्खा है मौला का इंसान की मुश्किलात के हल के लिए। यमन इस्मुहु दुआ, ऐ वो जात जिसका नाम दुआ है। क्या अल्लाह कोई नाम है कि वो लेने से दुआ मिल जाएगी? अल्लाह हकीकत है, नाम नहीं है, समझिए। अल्लाह हकीकत है, नाम नहीं है। उसका नाम हुसैन है, उसका नाम अली है, उसका नाम फातिमा है। का इनके कुर्ब में जाओगे तो दुआ मिलेगी, इनके कुर्ब में जाओगे तो दुआ मिलेगी। तो आइए क्या कि अली की सिफात अगर कोई चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? कहा भैया अकील मैं चाहता हूं कि मुझ जैसा कोई बहादुर बेटा पैदा हो कि करबला में मेरे हुसैन के काम आए, मेरी जगह कुर्बानी बने। एक शुजा खानदान की औरत को तलाश करो, देखिए मेहनत करना पड़ती है।
بغیر محنت کے کوئی چیز ایسے صفات منتقل نہیں ہوتی، کچھ کرنا پڑتا، ایسے منتقل نہیں ہوتی۔ تو عزیزو کون ہے عباس؟ بس چند جملے مصاحب کے سنیے، کون ہے عباس؟ عزیزو دنیا نہیں سمجھ سکی، عباس اہل بیت کی صفات کے مجموعے کا نام ہے۔ رب اکبر کی قسم، اگر جملہ کہوں ٹائم نہیں ہے کہ میں مولا کی فضیلت پہ حضرت عباس کی مجلس پڑھوں، کبھی پڑھوں گا کبھی۔ عباس وجود ایک ہے لیکن مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے، فاطمہ بھی ہے، زینب بھی ہے۔ جس کے لیے فاطمہ نے دعا کی ہو، جو فاطمہ کی دعا کا اثر ہو، اس کا کتنا بڑا مقام ہو، کتنا بڑا مقام ہوگا حضرت عباس کا۔ صفات آئمہ کا مجموعہ ہے عباس، علی کی تمنا، فاطمہ کی آرزو، عباس ہے۔ کون ہے عباس؟ عزیزو جب مدینے سے چلے تو یہی کہہ کے چلے، عباس یہ مدینہ تیرا میدان نہیں ہے، تیرا میدان کربلا میں ہے۔ جب مکہ میں پہنچے، کسی گستاخ نے گستاخی کی، جلالت عباس ظاہر ہوئی، کہا عباس رک جو، یہ مکے کی سرزمین تیرا میدان نہیں ہے، کربلا تیرا میدان ہے۔ آگے کربلا دو محرم کو جب حر نے راستہ روکا، آقا کے گھوڑے کے لجام میں ہاتھ دے کے نا، جب عباس نے، میں کیا کہوں، بیان الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا، وہ وفا کا پیکر اٹھا جناب سے، کہا اما فضا زینب سے کہو عباس کو روکے، عباس ابھی نہیں، تو عاشور کے لیے ہے۔ آ گیا نا جب شب عاشور، ایک جملہ حضرت عباس کی فضیلت میں ہے اور اس پہ آنسو بھی نکلیں گے۔ پیغمبر نے کئی القاب سے امام حسین کو یاد کیا ہے، ایک جملہ میں نے یہ پڑھا ہے کتب میں، پیغمبر کبھی کبھی کہا کرتے تھے امام حسین کو، بے ابی و امی فدا کا یا حسین، اے حسین تجھ پر میرے ماں باپ، اے حسین کون کہہ رہے، پیغمبر کہہ رہے امام حسین کو، اے حسین تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اب عباس کو سمجھیے، جب شام شب عاشور آئی نا، کہا اذهب بنفسی انت یا اخی العباس، اے عباس جاؤ ایک رات کی مہلت لو۔ کون عباس؟ امام حسین کہہ رہے جس پر میں حسین کی جان قربان ہو، جس پر میں حسین کی جان قربان ہو، جاؤ ایک رات کی مہلت لے کے آؤں۔ ابن سعد، عمر ابن سعد، ایک رات کی مہلت لائے۔ عزیزو وہ عباس جو عاشور کا انتظار کر رہا تھا، اس کے دل میں کتنی تمنائیں آرزوئیں ہوں گی کہ میں اپنے بابا کی شجاعت کا منظر دکھاؤں، میں علی کی تمنا و آرزو ہوں۔ لیکن عزیزو 21 رمضان کی شب 21 رمضان، مولا نے پوری اولاد کو اکٹھا کر کے نصیحتیں کی ہیں، وہ کافی لمبی نصیحت ہے، اس نصیحت کے آخری جملوں میں حضرت عباس کو خصوصی نصیحت کی ہے۔ کیا کہا؟ یا بنی العباس، اے میرے بیٹے عباس، اذا کانا یوم عاشورا، جب عاشور کا دن آ جائے، ودخلت فی المشعر، اور تو جب پانی میں پہنچ جائے گا، ایک جملہ عزیزو نے سمجھے، کا ان تشرب الماء و اخو الحسین تشانا، بیٹا دیکھنا کہیں پانی نہ پی لے کہ حسین پیاسا ہوگا، حسین پیاسا ہوگا۔ عزیزو کتنی آرزوئیں تمنائیں حضرت عباس کے دل میں تھی، کئی بار آئے مولا مجھے اجازت دیجئے، کہا عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے، جب سب شہید ہو گئے نا پھر مولا آئے، کہا مولا اب تو اجازت دیجئے، کہا عباس۔ عزیزو یہی تو جملے ہیں رونے کے لیے، اگر آپ نے توجہ کر لی تو یہی مصائب ہے، کہا عباس تو میری فوج کا علم بردار ہے، کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علم بردار ہوں، وہ فوج کہاں ہے
जिसका अलमबरदार है। इमाम हुसैन ने इंतहाई मुसीबत का जुमला कहा है, अब्बास जब तक बीबियों की नजर तेरे अलम पे पड़ती है उन्हें तसल्ली रहती है। नहीं अब्बास, कहते हजरत अब्बास चक्कर लगाते लगाते खैमों में, एक खैमा वो था जहां सारे मशकीदे रखे हुए थे। अजब मंजर हजरत अब्बास ने देखा, इमाम हुसैन के बच्चे उन नामशुदा मशकीदों के ऊपर लेटे हुए थे। जब इस नामशुदा मशकीदों के ऊपर जब नजर पड़ी और बच्चों को लेटे हुए देखा, ये वफा का पहकर तड़प गया। सकीना को देखा, कहा चचा ये बच्चे प्यार से मर जाएंगे तेरे होते हुए। कहा सकीना ओ मेरे साथ बाबा से इजाजत ले दो। चले, एक हाथ में सकीना एक हाथ में मशकीदा। इमाम हुसैन ने दूर से देखा, कहा अब्बास मैं तेरे आने का मकसद समझ गया। अजब मिन अल्लाह, लेकिन अब्बास एक काम करो, जाओ खैमों से विदा करके आओ। आपकी विदा इमाम हुसैन सुनते रहते हैं, आज अली के लाल का विदा सुनो। कहा जाओ अब्बास खैमों से विदा करके आओ। हजरत अब्बास खैमे में आए, जब जनाब जैनब के खैमे में पहुंचे ना, एक जुमला बड़ा अजब मकातिल में लिखा है। जनाब जैनब ने कहा, अब्बास मैं जानती हूं तूने चले जाना है, लेकिन कुछ देर मेरे सामने बैठो कुछ देर मेरे सामने बैठो। अब मुकातिल वालों ने लिखा है, अब्बास यूं बैठे जैसे नमाजी हालत तशहुद में बैठता है। जनाबे ज़ैनब के सामने यूं बैठे जैसे नमाजी हालत तशहुद में बैठता है। जी आकाज़ादी, जी मेरे लिए क्या हुक्म है? कहा अब्बास एक बात मैंने तुझसे करनी है। कहा जी फरमाइए। कहा अब्बास मैं छोटी सी थी, एक दिन बाबा ने आगोश में बिठाया हुआ था कि अचानक मेरे सर से चादर उतर गई। बाबा ने मेरे सर के बोसे लेने शुरू किए, मेरे बाजू के बोसे लिए, मेरे कंधों के बोसे लिए। मैंने देखा बाबा के आंसू बह निकले। मैंने कहा बाबा आज बदन मंजर है, मेरे सर के भोसे भी है, आपकी आंखों में आंसू भी है। कहा ज़ैनब ये राज की बात है। तो मैंने अब्बास बाबा से कहा था, बाबा वो राज मुझे बताइए। कहा ज़ैनब सुनोगी? कहा हाँ। कहा ज़ैनब एक वक्त वो आएगा जब तेरे सर से चादर उतारी जाएगी, तेरे बाजू मेरे सर बांधे जाएंगे। अब्बास मैं सोचा करती थी जिसके 18 भाई हो, क्या उसके मेरे ऊपर ये कभी हालत आती है? लेकिन अब्बास अब मैं समझ गई। अब मैं समझ गई। बस चले हजरत अब्बास, पानी पे कब्जा किया। रावी कहता है घोड़े को इशारा किया, तू पी ले, तू जानवर है प्यास। लेकिन मेरे उस्ताद कहा करते थे, कहते थे आखिर बावफा का घोड़ा था, जानवर भी इनसे कुछ ले लेते। बावफा का घोड़ा था, मुंह ऊपर करके अपनी जुबान बेजुबानी से कहते हैं, मौला मेरे आका हुसैन का घोड़ा पानी ना पिए और मैं पानी पी लूं, ये कैसे हो सकता है? ये ना मुमकिन है। कहते हजरत अब्बास ने एक चुल्लू पानी भरा और कौम अश्किया को खिताब करके कहा, इसी पानी में तुम्हें नाश्ता, जो हुसैन के बच्चों में पानी बंद किया हुआ है। देखो अली के लाल का कब्जा पानी पे। फिर पानी को गिरा दिया, फिर पानी को गिरा दिया। कुछ उलमा पड़ा करते हैं, शायद अब्बास के दिल में ये हसरत मरते दम तक नहीं होगी कि हाय के पानी ने हाथ को बस क्यों किया। सकीना प्यासी हो और अब्बास का हाथ पानी को बस कर ले, ये ऐसा क्यों हुआ? चले पानी को भर के जल्दी से कि सकीना और बच्चों को पानी दे। चले 4,000 का लश्कर इसे पहले बिखेरा था, अब वो इकट्ठे हुए चारों तरफ से।
چلے ایک ظالم نے چھپ کے حملہ کیا, کہتے ہیں حضرت عباس کا دینا بازو قلم ہوا, جو دینا بازو قلم ہوا نا پھر ایک شیر پڑا آگے چلے کہا تم جو کچھ بھی کرتے رہو میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا اپنے مولا کی مدد کرتا رہوں گا, آگے بڑھے پھر ظالم نے حملہ کیا بایا بازو قلم کیا, اب کہتے ہیں حضرت عباس نے مشک کا تسمہ اپنے منہ میں دیا آگے چلے, اب چلنا ہی چاہتے تھے ایک ظالم نے کیسا تیر مارا کہ مشکیزے کا پانی بہ گیا, اب پڑھنے والے پڑھا کرتے ہیں پانی نہیں بہا عباس کی تمنا ختم ہو گئی, تو ختم ہو گئی, بس یہ سوچ رہے تھے کہ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو حضرت عباس کی آنکھ میں لگا, اب مجھے عزیزو یہ بتائیے جس کے بازو نہ ہو جس کے آنکھ میں تیر لگ چکا لیکن کتنا ججا ہے علی کا لال ابھی تک اپنے مولا کو نہیں بلایا, کہتے اپنے دونوں ٹخنوں کے درمیان تیر کو دبایا کیسے نکالوں, ایک ظالم نے ایسا درز مارا کہ سر تو نیم ہو گیا, اس وقت گرتے ہوئے کہا مولا غلام کا آخری سلام, مولا غلام کا آخری سلام, جہاں بیٹھے تھے مولا اٹھے اور ایک جملہ کہا الان ان کا سلا زہری ہائے وہی کمر ٹوٹ گئی, پہنچے چلے بس آخری جملہ سنیے, کوئی چیز دیکھی حسین نے اسے اٹھایا چوما روئے وہ بازو ملا عباس کا, یہ کتنا قیمتی بازو ہے عزیزو تم نہیں جانتے یہ بازو کتنا قیمتی ہے, کہنے کہتے جب جناب زارا باب شفاعت پہ کھڑی ہوں گی پیغمبر کہیں گے علی فاطمہ سے پوچھو میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لے کے آئی ہے, کہتے ہیں بی بی دامن کو پھلائیں گی کہیں گی علی بابا سے کہہ دو میں عباس کے کٹے ہوئے بازو, عباس کے کٹے ہوئے بازو لائی ہوں, پہنچے امام حسین نے حضرت عباس کو اٹھا کے اپنے آغوش میں رکھنے کی کوشش کی پھر نیچے رکھ دیا, کہا عباس بھیا ایسے کیوں کر رہے ہو, کہا مولا یہ میں کیسے برداشت کروں ابھی میرا سر تو آپ کی آغوش میں ہو لیکن کچھ دیر کے بعد آپ کا سر کس کی آغوش میں ہوگا, میرا دل کہتا ہے مولا نے کہا ہوگا عباس فکر نہ کرو اور میری ماں بکیا سے آئے گی, بس ازادارو ایک جملہ کا, کہا عباس جلدی سے بتاؤ تیرے دل میں کوئی خواہش, کہا ہاں مولا میں جب پیدا ہوا تھا میری ماں مجھے سنایا کرتی تھی عباس تو نے آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تجھے حسین کی آغوش میں رکھا تو نے آنکھیں کھول لی, مولا جب دنیا میں آیا تھا تو تیرے چہرے کا دیدار کیا تھا, مولا چاہتا ہوں جب دنیا سے جاؤں تو تیرے دیدار کروں لیکن مولا شاید میں یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر میرے بازو سلامت ہوتے میری آنکھ میں خون ہے اسے صاف کیجئے تاکہ تیرے چہرے کی زیارت کروں, کہا ایک اور منت کرنا, کہا کیا, کہا میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جانا, جب یہ جملہ کہا نہ کہا عباس کیوں, کہا اس لیے مجھے سکینہ سے حیاء اللہ لعنت اللہ علیہ قوم الظالمین, پروردگارا تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا قبلہ آئیے یہ دعا کے اللهم صل علی محمد و آل محمد, پروردگارا بے حق زہرا بے حق زہرا بے حق زہرا آپ سبھی کی آنکھیں بھیگی ہیں, یہ وہ وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے, آپ جو سکون سے ہیں کوئی ضمانت نہیں ہے کہ کل مشکل آ جائے, اور آپ جو مشکل میں ہیں مولا کا معجزہ ہو جائے تو اگلا دن مشکل سے بالکل کلیئر رہے صاف رہے, اس لیے ہم سب مل کے
जो मुतमईन हैं और जो मुस्तरिब हैं, सब मिलके अपने इमाम जमाना की बारगाह में सलाम करते हुए परवरदिगार आलम वास्ता तुझे चार नमाज सुनी कर, जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो कैद में उन्हें रिहाई अता फरमा, जो मुश्किलात में उनकी मुश्किलात को दूर फरमा, जो मरीज हो उनको मर्ज से शिफा अता फरमा, हमारी जो बहने बीमार हो बीमार मदीना जनाब सुगरा के सदके से उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, हमारे उलमा का साया हमारे सरों पर कायम रख, परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, दूर प्रदेश में जो कोई यहाँ मोमिन मौजूद है जो मकरूज हो उनके कर्ज को गैब से अदा फरमा, जो मुश्किलात हो उनकी मुश्किलात को दूर फरमा, जो लावलद हो उन्हें औलाद अदा फरमा, जो औलाद वाले हो उनकी औलाद को सीरत सवालियों से रास्ता फरमा, अपने चहर दमासुमीन के अलावा हमें किसी दर का मोहताज ना बना, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम।